नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन। जानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे पुखराज और नीलम। ये मैं बता दूं, दोनों एक ही माइंस के पत्थर हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। एक ही माइंस के दोनों पत्थर होने की वजह से दोनों की ग्रेविटी 4 है। और साथ में बता दूं, अगर आप श्रीलंका का लेते हैं तो भी एक माइंस के पत्थर हैं, अगर आप बैंकॉक का लेते हैं तो भी एक माइंस के पत्थर हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जो पत्थर होते हैं, ये हजारों लाखों करोड़ों साल नीचे तपने के बाद तब निकाले जाते हैं। बहुत ही मेहनत, बहुत ही मुश्किल के साथ ये हमें मिलते हैं। कुदरत ने ये हमारे लिए ही बना के रखे हुए हैं। हम इसे यूज करें और अपनी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उसको प्रॉपरली, उसका नाश हो जाए, खत्म हो जाए वो प्रॉब्लम। और हाँ दोस्तों, मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि अगर आप पुखराज या नीलम पहनना चाहते हैं, देखिए एक बहुत धारणा चल रही है कि कोई भी बंदा नीलम डालने से पहले 10 बार पूछेगा, लेकिन पुखराज कोई भी डाल सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर जुपिटर 3-7 के अंदर आ जाए, यानी मिथुन राशि, तुला के अंदर, मकर के अंदर या कर्क के अंदर भी, तो सोच के समझ के ही पुखराज डालना चाहिए। एक्सपर्ट की राय होना बहुत जरूरी है। बात कर रहे हैं पुखराज और नीलम की, तो मैं यहां पे बता दूं, जो श्रीलंका का होगा वो कॉस्टली होगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमने नहीं लेना है, इसके अंदर रेशा होना बहुत जरूरी है। अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ तो समझिएगा ये कांच है। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा पीलेपन में भी हमने पुखराज नहीं लेना और नीलम भी नहीं लेना। उसका कारण क्या है? वो ग्लास फिल्ड हो जाएगा, उसके अंदर कलर भरा जाता है और वो आपको 2-4-6 महीने बाद वो कलर उड़ना शुरू हो जाता है और आपको लगता है पता नहीं कि ये कैसे हो गया। और जब आप किसी से पूछते हैं तो बताते हैं जी ये तो इसलिए हुआ कि आपकी प्रॉब्लम, जो आपके ऊपर बहुत भारी कस था, स्टोन ने अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसी भ्रांति, ऐसे मिथ से बाहर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन पत्थर अपने आप में बोलता है और उसकी ग्रेविटी 4 है। और सेकेंडली, जो पुखराज डाला जाता है गोल्ड में, और जो नीलम है ये पंच धातु में डाला जाए। नीलम शनिवार शाम 6 बजे के बाद, पुखराज गुरुवार सुबह 11:30 से पहले। पूजा करा के शुद्ध करवा के दोनों पत्थर डालने हैं। और हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है, इसके लाभ, इसके फायदे, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण और आपके पारिवारिक सदस्यों की कुंडली का विश्लेषण, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करें और आपको बताया जाएगा व्हाट इज द राइट वे। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इसके ऊपर आप अपना मैसेज छोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, आपको प्रोसीजर आ जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।